नमस्कार, आप जो रहा छो स्पार्क टुडे न्यूज। तिरुपति फाउंडेशन ट्रस्ट संचालित सरदार पटेल एजुकेशन कैंपस स्थित सरदार पटेल कॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ना चौथा सेमिस्टर की विद्यार्थिनी रागिनी सिन्हा के जेने 10 सीपीआई में 9.48 सीपीआई मेड़ी जीटीयू में प्रथम स्थान साथ एक गोल्ड मेडल और बेलिम अमरीन बानू के जेमने 10 सीपीआई में 9.8 सीपीआई मेड़ी फाइनांस स्पेशलाइजेशन कोर्स तेमज एमबीए ब्रांच बंने में 2 मेडल प्राप्त कर्या छे। તેમાં કુલ 3 ગોલ્ડ મેડલ પ્રાપ્ત કરી કોલેજનું અને સંસ્થાનું નામ રોશન કર્યું છે। સરદાર પટેલ એજ્યુકેશન કેમ્પસમાં એમબીએ ડિપાર્ટમેન્ટમાં આજે ખુશીનો માહોલ છે અને ગર્વની બી બાબત છે કે કેમ્પસમાં એમબીએ ડિપાર્ટમેન્ટે 3 ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યા છે, જે જીટીયુના જેટલી એમબીએની કોલેજો છે એમાં અવ્વલ નંબર મેળવી અને એમને પોતાનું સ્નાન ગ્રહણ કર્યું છે। હું વિદ્યાર્થીઓને એટલું જ કહીશ કે આ રીતે આગળ વધતા રહો અને એમબીએની પૂરી ટીમ, અમારો જે પરિવાર છે અને સ્ટાફ મિત્રો છે જેના માર્ગદર્શન હેઠળ આગળ ભવિષ્ય બનાવતા રહો। દરેકને અમારા કેમ્પસના દરેક વિદ્યાર્થીઓ, દરેક કોલેજના સ્ટાફ મિત્રોને આગળ વધવા માટે આ એક જરૂરી હતું કે એક મેસેજ મળે કે આપણી કેમ્પસમાં બી ગોલ્ડ મેડલ મેળવી શકાય અને એના આધારે એ લોકોએ આખું વર્ષ જે મહેનત કરી સ્ટાફ મિત્રોએ અને એનું જ પરિણામ છે કે આજે અમને ગોલ્ડ મેડલ પ્રાપ્ત થયો। મેરા નામ રાગિની શૈલેન્દ્ર સિન્હા હૈ। મુજે હાલ હી મેં હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ કોર્સ મેં ટોપ કરને કે લિયે ગોલ્ડ મેડલ દિયા ગયા હૈ જીટીયુ કે દ્વારા। મેને અપની પઢાઈ સરદાર પટેલ કોલેજ ઓફ એડમિનિસ્ટ્રેશન એન્ડ મેનેજમેન્ટ સે કમ્પ્લીટ કી હૈ। इसके लिए हमारे चेयरमैन श्री गिरीश पटेल सर, सेक्रेटरी सर श्री शीतल पटेल सर और ऑल द ट्रस्टी मेंबर जो हमारे कॉलेज के हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना अच्छा कैंपस और कैंपस के अंदर इतना अच्छा एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड किया है। इसके अलावा हमारे एमबीए डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर विशाल पाटीदाल सर, उनको भी मैं बहुत बहुत थैंक यू कहूँगी, हमारे एचओडी प्रोफेसर नैतिक रामे सर और दूसरे सारे फैकल्टी मेंबर्स और स्टाफ मेंबर्स जिन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस कोर्स के टाइम पे मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया है। कोर्स कंप्लीट करने के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। मेरा बैकग्राउंड, मैंने ग्रेजुएशन आर्ट्स फील्ड में किया है, वहाँ से लेकर के मैं एमबीए में आई हूँ जहाँ पे मुझे अकाउंट्स, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते थे और मैं एक ऐसे स्टूडेंट हूँ जिसको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था और ये सब करने के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन फैकल्टी मेंबर्स के सपोर्ट के थ्रू सब कुछ अच्छे से कंप्लीट हो गया है। मुझे यहाँ पे फ्रेंड्स लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे बड़ा सपोर्ट जो मुझे मिला है वो मेरे पेरेंट्स की तरफ से मिला है। हमेशा हमेशा उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए एनकरेज किया है, मोटिवेट किया है और उनको मैंने प्राउड फील करवाया है। मुझे आज भी याद है जब मैं गोल्ड मेडल लेने गई थी तो मुझसे ज़्यादा खुश मेरे पेरेंट्स हो रहे थे। इसके अलावा जब एमबीए करते हुए मैंने बहुत सारी नई नई चीज़ों को भी डिस्कवर किया है, जिसमें मैंने अपना खुद का ओवरऑल एरिया में डेवलपमेंट देखा है, नई नई चीज़ें सीखी है, कहाँ से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, उनको कैसे टैकल करना है, कौन कौन से चैलेंजेस हम फेस करते हैं, हम अपने आप की स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये सब कुछ यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स ने बहुत अच्छे से नरिश किया है। जब कभी भी मोटिवेशन या मोरल डाउन होता था तो हमेशा वो लोग आकर के एनकरेज करते थे, हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है और ये सब कुछ जो पॉसिबल हो पाया है सारे लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हो पाया है। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा मेरे साथ खड़े रहने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सरदार पटेल कॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, थैंक यू ऑल दी फैकल्टी मेंबर्स, थैंक यू मॉम एंड डैड, मेरे भाई बहन जिन्होंने हमेशा मुझे एनकरेज किया है और सारे स्टाफ मेंबर्स जिन्होंने मुझे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है। उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स जिनके बिना ये जर्नी बहुत ही इनकम्प्लीट रहती, क्योंकि उन्होंने मेरी ये जर्नी को मेमोरेबल बनाया है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। अमरीन बेलिम है, मैंने एमबीए सरदार पटेल कॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से कंप्लीट किया है। मैंने 2 गोल्ड मेडल जीटीयू में सिक्योर किए हैं एज अ ब्रांच टॉपर एंड एज अ ब्रांच टॉपर एंड एज अ कोर्स टॉपर एमबीए फाइनेंस स्पेशलाइजेशन। तो मैं सबसे पहले तो चेयरमैन श्री गिरीश पटेल सर, सेक्रेटरी श्री शीतल पटेल सर का धन्यवाद करना चाहूँगी। उसके बाद मैं डायरेक्टर सर डॉक्टर विशाल पाटीदार सर, एचओडी डॉक्टर नैतिक रामे सर का धन्यवाद करना चाहूँगी और सारे फैकल्टीज़ का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिसकी वजह से ये मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त किया, उनका खूब मुझे सपोर्ट रहा है उसमें। सो थैंक यू।